प्यारे दोस्तों नमस्कार। आ जाइए, अब देखते हैं किसको कितने क्वेश्चन का आंसर आता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलिए हम चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन, चिमाबू का जन्म हुआ मृत्यु कब हुई? तो चिमाबू का जन्म 1240 ईस्वी में और मृत्यु 1302 ईस्वी में। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर अब चिमाबू का नाम आ गया है तो थोड़ा उनके बारे में हम पढ़ते हैं। चिमाबू को इटली की फ्लोरेंटाइन स्कूल का प्रसिद्ध कलाकार था। इटली के चित्रकला का पितामह कहा जाता है और इसके शिष्य का क्या नाम था? जियोत्तियो। क्वेश्चन नंबर दो, चिमाबू के शिष्य का क्या नाम था? जियोत्तियो। क्वेश्चन नंबर तीन, इटली का पितामह किसे कहा जाता है? तो चिमाबू को इटली का पितामह कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर चार, जियोत्तियो का जन्म एवं मृत्यु कब हुई? तो प्यारे दोस्तों, जियोत्तियो का जन्म 1267 ईस्वी में और मृत्यु 1337 ईस्वी में हुई। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं। सर्वप्रथम जियोत्तियो ने ही इटालियन चित्रकला को बाइजेंटाइन रूढ़िवादी परंपरा से मुक्त कर उसे प्राकृति की ओर उन्मुक्त करने का प्रयास किया था। क्वेश्चन नंबर पाँच, पाब्लो पिकासो का जन्म व मृत्यु कब हुई? तो पाब्लो पिकासो का जन्म व मृत्यु, जन्म 1881 ईस्वी एवं मृत्यु 1974 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर छः, पाल सेजान का जन्म और मृत्यु कब हुई? तो पाल सेजान का जन्म और मृत्यु 1839 ईस्वी में और मृत्यु 1906 ईस्वी में हुई थी। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि लास्ट में आप लोग भूल जाते हैं, लाइक और शेयर नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर सात, वान गॉग का जन्म व मृत्यु कब हुई? तो 1853 ईस्वी में वान गॉग का जन्म हुआ था और 1890 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर आठ, ब्राक का जन्म मृत्यु कब हुई? तो ब्राक का जन्म 1882 ईस्वी में हुई और इनका मृत्यु 1963 ईस्वी में हुई। प्यारे दोस्तों, 1882 देखते ही आपके माइंड में एक चित्रकार का नाम और आ जाना चाहिए जो भारतीय है। 1882 ईस्वी में नंदलाल बोस का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर नौ, कंडेंसकी की का जन्म एवं मृत्यु कब हुई थी? कंडेंसकी का जन्म 1866 ईस्वी और 1944 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 10, सल्वाडोर डाली का जन्म एवं मृत्यु कब हुई? तो सल्वाडोर डाली का जन्म 1904 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1989 ईस्वी में। हाँ प्यारे दोस्तों, यहाँ पर सल्वाडोर डाली का नाम आ गया है तो आपको मालूम होना चाहिए ये एक अति यथार्थवादी कलाकार थे। जैक्सन पोलॉक का जन्म मृत्यु कब हुई? तो जैक्सन पोलॉक का जन्म 1912 ईस्वी में और मृत्यु 1956 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12, पिसारो का जन्म मृत्यु कब हुई? तो पिसारो का जन्म 1831 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1903 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 13, कुर्बे का जन्म मृत्यु कब हुई? तो कुर्बे का जन्म 1819 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1877 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 14, कांस्टेबल का जन्म मृत्यु कब हुई? कांस्टेबल का जन्म एवं मृत्यु कब हुई? तो 1776 ईस्वी में जन्म हुआ था और 1837 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 15, टर्नर का जन्म एवं मृत्यु कब हुई? तो 1775 में इनका जन्म हुआ था और 1851 में इनकी मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16, जेरी कार्ड का जन्म एवं मृत्यु कब हुई? तो 1791 में इनका जन्म हुआ था और 1824 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17, माइकल एंजेलो का जन्म एवं मृत्यु कब हुई? तो माइकल एंजेलो का जन्म 1475 में और मृत्यु 1564 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन नंबर 18, फ्रा एंजेलिको का जन्म एवं मृत्यु कब हुई?
तो फ्रा एंजेलिको का जन्म 1387 में हुआ और मृत्यु इनका 1455 ईस्वी में हुआ। प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पर फ्रा एंजेलिको का नाम आ गया है तो थोड़ा से इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। पुनरुत्थान काल के डोमिनिकन चित्रकारों में सर्वश्रेष्ठ चित्रकार माने जाते हैं और ये एक ईसाई धर्म प्रचारक अधिकारी था, अतः इसने अपनी कला को धर्म के प्रचार में लगाया। और इसका चित्र है मिस्र को पलायन, कुमारी का अभिषेक, भविष्यवाणी, देवदूत, संगीतज्ञ, अंतिम न्याय इत्यादि। प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दुस्सियों का जन्म एवं मृत्यु कब हुई? तो दुस्सियों का जन्म एवं मृत्यु 1260 ईस्वी में जन्म हुआ था और 1318 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी। अब बात यहाँ पर दुस्सियों की आ गई है तो इनके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। दुस्सियों सियन्ना का एक प्रथम महान चित्रकार था जो बाइजेंटाइन शैली की रूढ़ियों व आकारों को ग्रहण कर व उसमें अपनी सूक्ष्म दृष्टि व व्यक्तिगत परिभाषा को सम्मिलित कर कला का सृजन करना प्रारंभ किया था। इसकी जो कृतियां हैं मरियम या ईसा, शिशु ईसा, मरियम या शिशु ईसा। अगला है तख्तनशीन मैरी, मरियम व शिशु। अगला है ईसा छादूत, देवदूतों के साथ। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।